एक बच्चे का जन्म अपने पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ। इस बच्चे का जन्म टाइम से पहले हो गया था। जन्म के समय वह बच्चा बहुत कमज़ोर था। जब वह मात्र 3 साल का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। गांव के स्कूल में बच्चा पढ़ने लगा। जब वह 15 साल का ही था तो उसके सौतेले पिता का देहांत हो गया। बच्चे की माँ वापस आ गई और उसने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा कर उसे खेत में काम करने को कहा। बच्चे को खेत में काम करना पसंद नहीं था। इस टाइम हाई स्कूल के एक अध्यापक ने उसकी सहायता की और वो फिर से स्कूल जाने लगा। 19 वर्ष की उम्र में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसने उससे शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उस लड़के ने कभी शादी नहीं की। जन्म से ही दुर्भाग्यशाली उस बच्चे को जीवन में हर क्षेत्र में विषमताओं का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि वह बच्चा जीवन में क्या कर सकता है। यह बच्चा बड़ा होकर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन के रूप में विख्यात हुआ, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया था। धन्यवाद।